के महान वैज्ञानिक में से एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती आज 15 अक्टूबर को मनाई गई। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रविश्वरम में हुआ था। इनके पिता का नाम जलालुद्दीन और माता का नाम आशियम्मा था। भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ। अब्दुल कलाम ने विज्ञान के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया। अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के निर्माण में मदद की, जिसकी वजह से अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और भारत को परमाणु शक्ति बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की उपलब्धियों के कारण उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अहम किरदार निभाने के कारण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। परमाणु हथियार कार्यक्रम में सम्मिलित होने के कारण डॉक्टर कलाम को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी प्रदान किया गया। हालांकि अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन भारत देश उनके द्वारा किए गए कामों, योगदान और राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल को हमेशा याद रखेगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए थे। इन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ काम किया। 1969 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसरो आ गए और वहां इन्होंने परियोजना निर्देशन के पद पर काम किया। इसी पद पर काम करते समय भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्ष में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। इसरो में शामिल होना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जिस उद्देश्य से वह जी रहे हैं वह उनका उद्देश्य पूरा हो गया है। वहीं वर्ष 1963 और 64 में अब्दुल कलाम ने अमेरिकी संगठन नासा में भी दौरा किया। भारत के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना ने पहली परमाणु परीक्षण किया, जिसमें कलाम जी को भी परीक्षण के लिए बुलाया गया था। 1970 से 1980 के दशक में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने कार्यों की सफलता के कारण देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए थे और ख्याति बढ़ने के कारण उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही गुप्त कार्यों के लिए अनुमति दी थी। डॉक्टर कलाम अपने कार्यों की सफलता और अपनी उपलब्धियों के कारण राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की सरकार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 2002 में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया। अपने प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को भारी मतों से हराकर 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का पुरस्कार मिल चुका है। अब्दुल कलाम से पहले दो और राष्ट्रपति जाकिर हुसैन और डॉक्टर राधाकृष्णन को यह भारत रत्न का पुरस्कार मिल चुका है। राष्ट्रपति पद के दायित्व से मुक्त होने के बाद डॉक्टर कलाम ने कई शैक्षणिक संस्थानों में मनाद फॉलो एवं विजिटर प्रोफेसर बन गए। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सूचना प्रौद्योगिकी का कार्य किया। कलाम हमेशा से ही देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। डॉक्टर कलाम हमेशा से ही युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए कई तरीके के प्रयास करते रहे हैं। अब्दुल कलाम का उद्देश्य था कि भारत से किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके। देश के युवा ने उनकी लोकप्रियता को देखकर डॉक्टर अब्दुल कलाम को एक बार MTV यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ये है हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी। ना सिर्फ इतना, बल्कि वो एक बहुत ही गरीब परिवार से आते थे और उन्होंने एक सफल वैज्ञानिक के साथ साथ भारत के 11वें राष्ट्रपति के तौर पर भी भारत को अपनी सेवा प्रदान की।